तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जिसमें आप भाग लेकर आप लैपटॉप मोबाइल फोन स्मार्ट वॉच जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्द से स्कॉलरशिप में रजिस्टर की और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहां इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जिसमें आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज एंड क्विज मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए और इनाम जीतिए। नमस्कार, आप सभी छात्रों का स्वागत है। अभी अभी बोर्ड एग्जाम पूर्ण हुए हैं और सभी छात्र बड़े खुशहाल हैं और यहाँ पर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है। आप सभी को इस न्यूज़ को अंत तक देखना है। अब तो आप सभी के एग्जाम है जो भी हो चुके हैं फाइनल, तो अब तो आपको वीडियो को ध्यान से देख लेना आराम से बैठ करके। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा छात्रों पर बड़ी खुशखबरी है, ठीक है ना। सभी छात्रों को मिलेगा फायदा। देखिए क्या फायदा है वो आपको बताते, देखिए हम आपको अच्छे समझाएंगे क्या है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, नोटिस आया है, ठीक है ना, ये 4 तारीख को या फिर 26 उसको कोई मतलब नहीं है, आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बता रहे प्रश्न क्रमांक 1 में प्रश्न के विकल्पों में सही उत्तर नहीं है। जो विकल्प दिए गए, जैसे पहला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 1 है, उसमें विकल्प दिया हुआ है 4, B उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ 8, और C दिया हुआ आपको 12, और D दिया हुआ आपको 13, और उत्तर भाई है 15। मान लीजिए उत्तर 15, तो भाई इनमें तो सही विकल्प है ही नहीं। तो अगर आप A भी लगा दोगे तब भी आपको अंक मिलेगा, B लगा दोगे तब भी अंक मिलेगा, C लगाओगे तब भी अंक मिलेगा, D लगाओगे तब भी अंक मिलेगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है हल करने के प्रयास पर आधारित अंक मिलेगा, ठीक है, चाहे आप गलत करो चाहे सही करो। वे प्रश्न जो कि उनके विकल्प आपको सही नहीं दिए गए हैं, जैसे प्रश्न क्रमांक 1 में, उनके अंक आपको दिए जाएंगे मुफ्त में, ठीक है। तो अगर आप कोई भी प्रश्न को नहीं छोड़कर आए हो तो भाई आपको ज़्यादा अंक मिलने की संभावना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 बोलता है हमारा, प्रश्न क्रमांक 2 का चौथा, कि प्रश्न में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में क्रमशः समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी का उल्लेख नहीं है जिससे भाषाई एवं विषय वस्तु अनुसार अपूर्ण जानकारी है, इस कारण भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है। नोट क्या बोल रहा है, हल करने का प्रयास निर्धारित अंक दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ कहने का अर्थ ये है आपने जो प्रयास किया चाहे गलत कर रहे हो चाहे गलत सही कर रहे हो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद फिर से कौन से प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2 का 5वां, इसमें क्या बोल रहा है, प्रश्न में दोनों माध्यमों में है ना, दोनों माध्यमों के प्रश्नों के बनावट में त्रुटि है जिसके कारण एक के अतिरिक्त उत्तर बनते हैं, एक के अतिरिक्त मतलब बहुत सारे उत्तर बनते हैं, ठीक है, भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है, हल करने के प्रयास पर अंक दिया जाएगा, ठीक है। बता रहा हूँ जिन जिन प्रश्नों में आपको मिलेंगे, देखिए नोट कर लीजिएगा, प्रश्न क्रमांक 4 का पहला है ना, 4 का पहला शायद गणित के बारे में बोल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए प्रश्नों में ए बी और सी है शायद है ना, ए बी और सी को परिभाषित नहीं किया गया है जिससे इसके एक से अतिरिक्त उत्तर बनते हैं और भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है। नोट हल करने का प्रयास पर अंक दिया जाएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर अगला क्या बोल रहा है, प्रश्न क्रमांक 4 का दूसरा पर, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में विषय वस्तु और भाषाई त्रुटि होने के कारण निर्मित हो रही इस स्थिति में, ठीक है ना, इस कारण सटीक उत्तर नहीं बन पा रहे हैं, हिंदी माध्यम में यह ब्लूप्रिंट से हटकर एक अतिरिक्त वस्तुनिष्ठ हो जाता है, ठीक है। हल करने की स्थिति में आपको अंक दिया जाएगा, फ्री का अंक है, ठीक है। अगला देखिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न क्रमांक 5 का तीसरा क्या बोल रहा है, ब्लूप्रिंट के अनुसार प्रश्न अध्याय 6 त्रिभुज से अतिरिक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाल दिया गया है, ठीक है ना, डाला गया है, ठीक है। तो आपको क्या क्या किया जाएगा, आपको अगर आप इसका उत्तर गलत भी दोगे ना तब भी आपको एक अंक बोनस में दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा भाई, बोनस में दिया जाएगा, बोले तो आपका फ्री में मिलेगा, ठीक है, फ्री में मिलेगा, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अब इस चैनल पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाली, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें प्लस वीडियो को लाइक कर दे यार, और चैनल को शेयर करें, ठीक है ना, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।